जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। के राम राज्य की परिकल्पना को जैसा कि नरेंद्र मोदी उद्घोषित करते हैं कि हम उनकी परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, तो उनकी परिकल्पना के साकार होने में अब आप लक्षण आकिएगा, उनका आंकलन कीजिएगा। तो आज की सत्ता के राम में विद्वेष है, खटास है, एक वर्ग विशेष आहत है, एक वर्ग विशेष अपने आप को सशंकित महसूस कर रहा है। तो राम राज्य में तो ऐसा नहीं था। एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं सर, तो वर्ग विशेष कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर नहीं, विपक्ष वर्ग नहीं है, एक अल्पसंख्यक समुदाय भारत वर्ष का, वो भले ही संरक्षित हो है, लेकिन अब यहाँ पर राजनीति आड़े आ रही है। जो विपक्ष है, विपक्ष ने अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों को अपने अपने पालों में बांट रखा है। वो अल्पसंख्यक वर्ग को डरा रहे हैं कि अगर, और ये जो सत्ता के राम है यानी नरेंद्र मोदी, ये उसको प्रलोभित कर रहे हैं कि जैसे और लोग हैं वैसे आप भी आइए, हैं सबका साथ सबका विकास है, और इस तरह के नारे दे करके उन्होंने तमाम सारे मुस्लिम समुदाय के बीच में जाकर के एक वर्ग विशेष के मुस्लिमों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की मुहिम भी चल रही है। सर जमीनी लेवल पर अगर आप देखेंगे तो एक बिल्किस बानो का केस था जो बहुत ही इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि उनको कितना लुभाने का काम कर रहे हैं सरकार, कहीं ना कहीं ये सच है। तो हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कर्तव्य परायणता के स्तर पे तमाम सारे विवाद खड़े हो गए हैं। सत्ता के राम में कहीं कहीं ना कहीं विखंडन भाव का विलक्षण तरीके से जो विखंडन हो रहा है वो कहीं ना कहीं टीस देता है, लोकतांत्रिक भावना को आहत करता है, है? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।